नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे नंबर वन पैरामेडिकल यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2023 प्रयास बैच, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और आपको ये मालूम हो गया होगा कि हमारे यहाँ टोटल लर्निंग पर 15 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, जो कि हमारे पास वेरियस टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। रोशन सर, सौरभ सर, रोहित सर और मैं आपको, मेरा नाम विशाल हुआ और मैं आपको इंग्लिश और हिंदी पढ़ाऊंगा। तो आज की इस क्लास में हम आपके बीच इंग्लिश की कुछ बताऊंगा जो कि नाउन रहेगा। नाउन से सबसे पहले हम आपको बताए थे कि डिफिनेशन बताएंगे, उसके बाद मैं आपको सीरीज जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा उसे बताऊँगा। तो आप लोग जानते ही होंगे कि नाउन होता क्या, क्योंकि हम लोग जब बच्चा से बड़े होते हैं, पाँचवीं कक्षा में जाते हैं, सिक्स क्लास में जाते हैं, तो उसमें नाउन के बारे में हम लोग पढ़ते आते हैं। लेकिन एक बात होता है ना, जो ज़्यादा चीज़ होता है उस समय ही तक याद रहता है, जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ता उसकी याद भूल जाते हैं। तो उसके लिए ही हम यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर आज की क्लास नाउन जानेंगे। तो नाउन को हम लोग सिंपल भाषा में बोले तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सिंपल भाषा में धरती पर जितना भी आपको चीज़ दिख रहा हो वो सब नाउन है। जैसे बुक हो गया, ताजमहल हो गया, महात्मा गांधी हो गया, घास हो गया, यानी कि सबको कुछ ना कुछ नाम ही है दोस्तों। तो सबको ही क्या है, नाउन है। अब हम लोग उसको डिफिनेशन के तौर पर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। A noun is a word. A noun is a word used as a name of person, place or thing. ये आपका होता है noun। अब इसको समझिए क्या लिखें। नाउन है ना एक प्रकार से एक वर्ड है। किस चीज़ का वर्ड है? तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं पर्सन के नाम पर, प्लेस के नाम पर और थिंग के नाम पर। इसी को हम लोग कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं दोस्तों? नाउन। अब इसका हम लोग एग्जांपल समझते हैं कि सर इसका एग्जांपल बताइए ना क्या होगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल राम। राम क्या हो गया? पर्सन हो गया। ताजमहल क्या हो गया? आपका प्लेस हो गया, ये हो गया प्लेस हो गया। फिर उसके बाद थिंग के जगह पर हम लोग बोलते हैं द बुक, ये आपका बुक हो गया, मतलब एक्सेट्रा। ये टोटल आपका हो गया दोस्तों, क्या हो गया? एक नाउन का डिफिनेशन हो गया। तो ये हम लोग जान गए बेसिकली कि आपका ये क्या है, ये आपका नाउन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि सर इसके टाइप कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। तो टाइप के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखिए 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ अ स्पीच। सो हम लोग एक क्या करते हैं, टीचर्स लोग हैं जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए एक क्वेश्चन खुद से माइंडसेट करते हैं कि उसी टाइप में क्वेश्चन को बनाया जाए। तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ नाउन, याद रखिएगा, पूछ सकता है एक दो तीन पाँच, क्या होगा? तो यहाँ पर टोटल पाँच होते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो हम लोग उस पाँचों के बारे में पहले नेम देखेंगे, फिर पार्ट बाय पार्ट डिफिनेशन देखेंगे। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो यहां पर देखिएगा फाइव काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? नाउन के पांच प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहले सुन लीजिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये टोटल पांच नाउन होते हैं। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग लिखित भी देख लेते हैं एक बार। प्रॉपर नाउन, सेकेंड में आता है आपका कॉमन नाउन,
फिर उसके बाद थर्ड में आता है आपका कलेक्टिव नाउन, फोर्थ नंबर पर आता है मटेरियल नाउन, उसके बाद फिफ्थ पर आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये टोटल आपके नाउन हो गए, ये टोटल आपके क्या हो गए दोस्तों, तो नाउन हो गए। फाइव काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप ये जानिएगा सर प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन आप प्रॉपर नाउन इज द अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर समझिएगा, पर्सन प्लेस और थिंग। एक हम भी इंसान हैं, एक आप भी इंसान हैं, एक महात्मा गांधी भी इंसान थे, एक प्रधानमंत्री भी इंसान है, लेकिन उनको पार्टिकुलर कर दिया गया है। अगर 1000 लोगों का भीड़ होगा ना, वहाँ पर हम खड़ा होंगे, आप लोग खड़ा होंगे, मोदी जी खड़ा होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, तो सबसे पहले उनका पूछोगा क्यों, क्योंकि वो पार्टिकुलर पर्सन हो गया ना इसीलिए। अरे घर तो सब तरह का घर होता है, घर तो सब तरह का घर होता है, लेकिन एक ताजमहल है तो वो आपका पार्टिकुलर हुआ ना। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। चलिए हम लोग पहला जानेंगे प्रॉपर नाउन। हम लोग अब समझेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। चलिए प्रॉपर नाउन का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। ये दोस्तों आपका प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन होता है। क्या होता है ये प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल में हम लोग देखते हैं तो आपका ताजमहल भी हो सकता है, उसके बाद आपका एमके गांधी भी हो सकते हैं, रामायण भी हो सकता है, रामायण एक्सेट्रा। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ये आपका हो गया दोस्तों प्रॉपर नाउन। और यहाँ पर जो आपको बताया जाएगा बिल्कुल एक वे में बताया जाएगा, जो कि पैरामेडिकल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी बेस के सिलेबस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को शेयर करते रहते हैं। आप लोग ज़रूर इस प्रयास पर इसको ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ हमारे इस टोटल लर्निंग ऐप पर जुट कर क्लास का आनंद। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, अब हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं कॉमन नाउन। अब हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है। तो देखिएगा इसका डिफिनेशन, अ कॉमन नाउन इज अ कॉमन नाउन इज अ नाउन अ कॉमन नाउन इज अ नाउन A common noun is a common noun is a common name of class person, place or thing। ये आपका होता है common noun, इसी को कहते हैं दोस्तों कॉमन नाउन कहते हैं, जो कि कॉमन नेम होता है किसी क्लास का। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए बॉय, गर्ल, किंग एक्सेट्रा। अब ये कहिएगा सर कॉमन कैसे हुआ, अरे बॉय कहने का मतलब राम, श्याम, मोहन नहीं,
वो लड़का है ना, यानी कि कॉमन सिर्फ क्या निकला, तो कॉमन आपका बॉय निकला। राधा सीता गीता व्हाट इज दिस, ये तो अलग अलग तरीके के नाम हैं, लेकिन हम लोग उसको कॉमन में गर्ल भी कह सकते हैं ना, वही चीज हुआ। तो इसी को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, अब हम लोग थर्ड में आते हैं, तो आपका आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव से पता चलता है दोस्तों किसी चीज को कलेक्ट करना, किसी चीज को कलेक्ट करना। जैसे कि इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, अ नाउन, अ नाउन इज, सॉरी, अ कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ क्रिएचर प्लेस और थिंग, क्रिएचर प्लेस और थिंग। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कलेक्टिव में, तो ये आपका क्या कहता है, किसी चीज़ का ग्रुप है, क्रिएचर का, प्लेस का, थिंग्स का ग्रुप हुआ ना, इसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि इसका कुछ एग्जाम्पल होता है, क्या होता है एग्जाम्पल, आर्मी, इसको हम लोग लिख सकते हैं द ग्रुप ऑफ पीपल उसके बाद आपका क्लास होता है, इसको लिख सकते हैं द ग्रुप ऑफ पीपल, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से आपके क्या हो गए, यहाँ पर हो सकता है अ बंच ऑफ फ्रूट हो सकते हैं, अ बंच ऑफ ग्रेप्स हो सकते हैं, ये टोटल आपका कलेक्टिव नाउन के होते हैं। तो ये आपका रहा कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग देखते हैं मटेरियल नाउन, तो चलिए हम लोग मटेरियल नाउन देखते हैं। मटेरियल नाउन आपका फोर्थ नंबर पर आता है, फोर्थ नंबर है मटेरियल नाउन। मटेरियल एंड बहुत सिंपल है, मटेरियल मटेरियल यानी कि आप समझते हैं ना, किसी चीज की मटेरियल हो रहा है यार, मटेरियल नाउन हुआ। इसको सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, अ मटेरियल नाउन अ मटेरियल नाउन इज अ मटेरियल नाउन अ मटेरियल नाउन इज अ मटेरियल नाउन इज अ मटेरियल नाउन इज अ नाउन अ मटेरियल नाउन इज अ नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ मटेरियल, डिनोट्स द नेम ऑफ मटेरियल, डिनोट्स द नेम ऑफ मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ, मटेरियल नाउन जिसको डिनोट किया जाता है किससे, तो मटेरियल से। जैसे कि आप एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल आपका आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, घी हो गया, एक्सेट्रा। तो ये टोटल आपके होते हैं दोस्तों मटेरियल नाउन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। समझ में आ रहा होगा सभी को, चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। तो यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन पांचवा नंबर पर आता है, कि सर अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, पांचवा आपका आता है दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सभी को समझ में आ रहा होगा, सभी लोग को, जिनको जिनको समझ में आ रहा होगा वो लोग जरूर कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिएगा कि हमारे पास टोटल लर्निंग के पास 2023 का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए बेहतरीन टीचर जो कि एक्सपीरियंस है 3 ईयर का पारा मेडिकल के तरफ से, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको सक्सेस की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर देखिएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिएगा किसे कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज
अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन वी कांट सी टच हर वी कांट सी टच हर और उसके बाद टेस्ट एंड अ स्मेल टेस्ट एंड अ स्मेल इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों इसी को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा भाव करते फील करते हैं यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया एग्जांपल में आप समझिएगा आप ब्रेव हैं ब्रेव यानी कि बहादुर फील करते हैं लव कर रहे हैं किसी से ये आपका फील हुआ किसी से हॉट हो रहा है फील हुआ हैप्पी हो रहा है तो फील हो रहा है ये सब आपको किसको शो कर रहा है ये सब आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन को शो कर रहा है। तो ये टोटली जो था दोस्तों आपका नाउन था। अब नाउन में कुछ और भी चीज आते हैं हम लोग उसके बारे में जानते हैं। देखिए नाउन तो हम लोगों ने इस पार्ट से पढ़ लिया अब नेक्स्ट आता है नाउन एक और टाइप्स में पढ़े जाते हैं एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन तो हम लोग उसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नाउन को है जो और किसी दो टाइप्स से डिफाइंड किया जाता है। ठीक है एक अलग भाषा में बोला जाए तो टू टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। पहला होता है दोस्तों आपका काउंटेबल नाउन और सेकेंड नंबर आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन। ये टोटल आपको दो नाउन हो एक काउंटेबल नाउन काउंटेबल मतलब समझ रहे हैं काउंट किया जा सकता है जिसको गिना जा सके सिंपल भाषा में इसको याद रखना है इसका नो डिफिनेशन याद रखना है सिर्फ ये कि जिसे गिना जा सके बस ये याद रखिएगा जिसे गिना जा सके जिसे काउंट किया जा सके यानी कि क्या तो यानी कि काउंटेबल नाउन। जैसे कि आपके पास दो कलम है मेरे पास एक कार है कौन सा कार है मर्सिडीज है कि BMW है मर्सिडीज कार है बड़ा सोचिए तब तो बड़ा बनिएगा ना छोटा नहीं सोचना है। ठीक है जैसे कि इसके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं तो एग्जांपल में हो गया आई हैव अ कार मेरे पास एक कार है ना जी आपके पास एक कार है कि 10 को कार है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना कार है। ठीक है अब जैसे कि आपके पास 10 अंडे हैं यू हैव 10x मतलब काउंट कर रहे हैं ना यहाँ पर काउंटिंग हो रहा है ना वही तो काउंटेबल नाउन हुआ। यू हैव 10x यही तो काउंटेबल नाउन हुआ यही ना काउंटेबल नाउन है। अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन तो अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं जिसे गिना नहीं जा सके पानी को गिन सकते हैं नहीं चावल को गिन सकते हैं नहीं तो गिन ही नहीं सकते हैं तो डेट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन उसी को क्या कहते हैं उसी को दोस्तों हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो सिंपल भाषा में हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं ऐसे तो डिफिनेशन आपसे पूछा नहीं जाता है बशर्ते आपको याद रखना ठीक है ना जिसे गिना नहीं जा सके डैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन उसी को क्या कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। जैसे वाटर इज डर्टी पानी क्या है गंदा होता है पानी क्या होता है गंदा होता है वाटर इज डर्टी पानी गंदा होता है ये आपका एग्जांपल हो गया इसे आप लोग गिन सकते हैं नहीं ना आप लोग गिन सकते हैं तो यही आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो हम लोगों ने इस टाइप में भी देखा अब एक और टाइप आपको पढ़ने एक और टाइप पढ़ने जिससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है ये तो आपका ट्रेलर था अभी और देखिए तो ये हम लोगों ने देखा अब हम लोग देखते हैं एक और चीज़ एक और टाइप से हम लोग पढ़ा जाता है नाउन को। देखिएगा तो यहाँ पर एक और टाइप से पढ़ा जाता है नाउन को यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा जाता है एक और टाइप में पढ़ा जाता है टू टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं जो कि एक और टाइप से पढ़े जाते हैं। हम लोग को सारा टाइप याद करके रखना है सबसे पहला टाइप है इसी से आपका पैरामेडिकल में क्वेश्चन पूछा है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा कॉमन जेंडर नाउन
पहला होता है दोस्तों कॉमन जेंडर नाउन, और आपका सेकेंड नंबर जो होता है जिसको कहते हैं न्यूटर जेंडर नाउन। क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर नाउन। इट्स अ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नाउन। ये जो है नाउन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो सब पढ़िए, पढ़ लीजिए, सब पढ़ लीजिए, लेकिन इसको ज़्यादा पढ़िए। दूसरा आता है दोस्तों न्यूटर जेंडर नाउन, दूसरा नंबर आता है न्यूटर जेंडर नाउन, ये आपका सेकेंड नंबर पर आता है न्यूटर जेंडर नाउन। अब आप कहिएगा सर ये का ये तो हम पढ़ भी नहीं किए हैं, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है सर, जरा इसके बारे में भी बताइए, जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अब जानते हैं, बारी बारी से हम लोग डिफिनेशन जानेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं अब इसका डिफिनेशन कि सर कॉमन जेंडर नाउन का डिफिनेशन बताइए। तो ये देखिए आपका डिफिनेशन कॉमन जेंडर नाउन का, कॉमन जेंडर नाउन किसे कहते हैं? तो सबसे सिंपल इसका आंसर आता है नाउन दैट आर यूज्ड, नाउन दैट आर यूज्ड फॉर बोथ, फॉर बोथ। बोथ क्या सर? तो बोथ आपका फेमिनिन, फेमिनिन यानी कि फीमेल, फेमिनिन यानी कि फीमेल एंड मैस्कुलिन, मैस्कुलिन यानी कि मेल। नाउन दैट आर यूज्ड फॉर बोथ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर नाउन, उसी को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर नाउन। अब इसके बारे में समझिए कि सर ये क्या आप लिख दिए, दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर नाउन, ये आपका कॉमन जेंडर नाउन हुआ। इसका कहने का मतलब ये हुआ ना दोस्तों कि वैसा नाउन जिसको हम लोग मेल और फीमेल दोनों के जगह पर यूज करते हैं, मेल के लिए भी यूज करते हैं और फीमेल के लिए भी यूज करते हैं, इसी को कॉमन जेंडर नाउन कहते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है। मैनेजर, बैंक में मैनेजर सिर्फ जेंट्स नहीं बन सकता, फीमेल भी बैठ सकती है। उसके बाद प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी जी ही नहीं बने थे, इंदिरा गांधी भी बनी थी ना, इसी को तो कॉमन जेंडर नाउन कहते हैं, ये इसी को समझाना चाह रहा है। तो आप लोग सिंपल एग्जांपल में आप इसका समझ गए होंगे आई होप, कि यहाँ पर डॉक्टर हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, मैनेजर हो जाएगा, नेवर हो जाएगा, लॉयर हो जाएगा। आप कहिएगा सर ये नेवर क्या? नेवर आपका पड़ोसी जिसको आप खिड़की से देखते रहते हैं, वही तो नेवर आपका हुआ, हो गया ना। लॉयर, लॉयर मतलब कि आप लोग जान ही रहे होंगे जेंट्स और फीमेल दोनों बन सकते हैं लॉयर, तो ये आपका कॉमन जेंडर नाउन हुआ। ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि नाउन में इसी से पढ़ा जाता है, इसी से प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाला समय भी इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा न्यूटर जेंडर नाउन, न्यूटर जेंडर नाउन क्या होता है जी? तो ये देखिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसका देखते हैं न्यूटर जेंडर नाउन, न्यूटर जेंडर नाउन, न्यूटर जेंडर नाउन, न्यूटर जेंडर नाउन क्या होता है? न्यूटर समझ रहे हैं, न्यूटर न्यूटर समझ रहे होंगे ना, जो कि उदासीन होता है। देखिए यहाँ पर अ नाउन दैट आर यूज्ड, अ नाउन दैट आर यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, अ नाउन दैट आर यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जानते हैं जी कि नहीं जानते हैं? किसको कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, that is called neuter gender, that is called neuter gender, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? neuter gender। जैसे कि क्या हो सकता है, सिंपल भाषा नॉन लिविंग थिंग्स लिख दिए, यानी कि जितना आपको नॉन लिविंग थिंग्स दिखे न्यूटर जेंडर। क्वेश्चन पूछता है हु इज द न्यूटर जेंडर नाउन, व्हाट इज द कॉमन जेंडर नाउन, चार गो ऑप्शन रहेगा, आंख बंद करके आंसर दीजिएगा, खोल कर नहीं। और यहाँ पर देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो गया टेबल हो गया, चेयर हो गया,
बोर्ड हो गया। इस तरह से जितना भी आपको धरती पर नॉन लिविंग थिंग्स दिख रहे हैं वो सब आपका न्यूट्रल जेंडर नाउन होते हैं। तो ये टोटली दोस्तों था आपका नाउन जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरह से बिल्कुल आपको आसानी से आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, समस्या आता है, तो आप हमारे साथ प्रयास बैच में जुटिए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर 7372039013 पर मैसेज करें, कॉल करें और कांटेक्ट करें कि सर हमको पारामेडिकल 2023 विशाल सर का ज्वाइन करना है क्लास, प्रयास वैश जिसका नाम है, तो उसमें आइए। हमारे पास हर एक टीचर हर एक सब्जेक्ट के लिए उपलब्ध हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इंटरटेन के साथ पढ़ें, हमारे साथ आप पढ़िएगा तो बिल्कुल इंटरटेन रहेगा। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।